अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग है उर्स मखदूमी, जो कि यूपी में है, अकबरपुर में मखदूम पार्क का रोज़ा है, वहाँ का उर्स है, वहाँ जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। उर्स का सफ़र स्टार्ट हो गया है, जा रहे हैं। खाना, डाइट खाना अपना चावल सादा दाल, उसमें कुछ थोड़ा बहुत सोयाबीन चीन वगैरह डाला हुआ है। लंच टाइम हो चुका है, तो चलिए खाते हैं। और तो अब गाइस शाम हो चुका था, तो हमने सोचा थोड़ा सूप पी ले। रेलवे में जो सूप मिलता है, रेलवे में जो पैंट्री है उसका सूप, तो ये था मिक्स वेज सूप, अच्छा था, मज़ा आया। पर इससे ज़्यादा बेटर था अपना ये टमाटो सूप, जो आप देख सकते हैं। तो दोनों भाई मिलके दोनों सूप का मज़ा लिया और बस मज़ा आ गया। और सूप पीने के लगभग एक घंटे बाद फिर कॉफ़ी आया, तो कॉफ़ी भी अच्छा था, ठीक था, तो मज़ा आया कॉफ़ी पीने में भी। और फिर रात का आखिरी चाय, उस दिन की रात का चाय भी अच्छा था, पाउडर वाली चाय, मसाले चाय, मज़ा आया। और एक इलायची चाय, तो दोनों अच्छी थी, मज़ा आया, मज़ा हो गया। तो आ गए हम लोग अकबरपुर से, ठीक है, मज़ा आ गया। चलते हैं दरगाह की तरफ। देखिए गाइस इतना भीड़ लोगों का उसके लिए उसमें जाते हुए, देखिए कितना भीड़ है, ऐसा लग रहा है कि आधा ट्रेन खाली हो गया यहीं पे। स्टेशन अभी नया बन रहा है, डबल लाइन हो रहा है, हो चुका है पहले। और अब वो इस अकबरपुर स्टेशन से टाटा मैजिक गाड़ी है, उसमें बैठे, और यह आप लोग मसाला सकते हैं। पूरा ग्रीनरी है, मतलब बहुत ही अच्छा गांव, और पूरा ग्रीन ग्रीन देखने को मिलेगा पूरे रास्ते। लगभग 40-45 मिनट्स का डिस्टेंस है अकबरपुर स्टेशन से दरगाह शरीफ, छोजा शरीफ। आ गए भैया आप लोग अकबरपुर, सॉरी अंबेडकर नगर आ गया, अशरफपुर यूपी अंबेडकर नगर। सूरज देख रहे हैं, एकदम पावरफुल सूरज निकला हुआ, बंगाल में बारिश, यहाँ सूरज नहीं। सो दोस्तों आ गए हम लोग खाने, नाश्ता करने के लिए, नाश्ता देख लिए। ये अपना कलकत्ते के आदमी का है, कलकत्ते के लोग हैं। सब्जी देखिए, मटर चना सब कुछ दिया हुआ परिवार। यूपी में भी कलकत्ता था, बाजी पोड़े बोलिए, छोला भटूरे बोलिए, जो बोलिए चलेगा। हाँ हाँ देखिए सब्जी बहुत मजेदार है भाई, सफर से जो आया ये अपना भाजी पूरी खा के थकावट पूरा देख, मजा आ गया। जोड़ाई आ गया भाई, ऑमलेट बहुत गरम दे दीजिए, और गरम नहीं आपके लिए बना, गर्मा गरम। चलिए अंडा के साथ थोड़ी, साथ में थोड़ा सब्जी आलू, तो कॉम्बिनेशन तो मजेदार है। hmm.
अंडे में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया, पूड़ी के साथ देखते ट्राई करते। अंडा पूड़ी चाय थोड़ा कड़क नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है चाय। अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक हो। अब जा रहे हैं हम लोग नमाज पढ़ने के लिए जुमा की, जुमा बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। तो हम लोग आ गए अब मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए। मस्जिद का गुम्बद देख सकते हैं, गुम्बद खड़ गए जैसे। आए हाय क्या बात है, सुभान अल्लाह। देख सकते हैं मस्जिद, क्या शानदार मस्जिद है, गुम्बद खजरा। ये हमारे पीर साहब का, पीर साहब का खानका है। ये वजू खाना देख सकते हैं लोगों का वजू। नमाज की तैयारी चल रही, जुमे हमारे पीसा। जुमा की नमाज के बाद ऊपर आ मीर शरीफ, इसमें आप जमजम मिला हुआ है, इसके बारे में आप लोग यूट्यूब सर्च कर सकते हैं, अच्छे से मालूम हो जाए। इस पानी में बहुत शिफा है, तो अब इस पानी को पीने लगे। सर्दी गर्मी की वजह से वायरस पीना पड़ रहा है। ठीक है, शांति मिला हुआ है। अब आ गए हम लोग रेस्टोरेंट में, अपने खानका के अंदर, अपने पीर साहब के खानका के अंदर रेस्टोरेंट है। दाल पनीर बनी, बहुत सारा आइटम है, और हम लोग ऑर्डर किए हैं। क्या ऑर्डर किए? रोटी, चिकन कोरमा, रोटी और चावल। हम लोग बंगाल से चावल बिना चैन कहा है। तो गाइस कोरमा खत्म हो गया था, तो इसीलिए आया है चिकन काली मिर्च। देखते हैं कितनी काली है, काली तो नहीं लग रही, गोरी गोरी लग रही। अब होगा अपना पार्टनर में 50-50। ये अपनी आ गई है तवा रोटी, सादी रोटी। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह वाला व बरकतिल्ला, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खाते हैं और भूख मिटाते हैं। चावल के साथ मुझे डाउट लग रहा है कि चावल के साथ अपना टेस्ट मजा नहीं आया। तो भाई चावल कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो जो काली मिर्च चिकन थी चावल के साथ मजा नहीं आता। इसलिए अब आ गया दो हाफ चिकन, चिकन बिरयानी। चलिए टेस्ट करते हैं बिरयानी, यहाँ तो बिना आलू का बिरयानी मिलता है, फिर भी चलिए। मसाला ज्यादा है, थोड़ा नमक ज्यादा है। मसाला बहुत है, सर बहुत है। हार्ट अटैक बिरयानी भाई।
देख रहे मसाला बस बिरयानी तेल ज़्यादा है पर ठीक है टेस्ट अच्छा है आने लायक है। हिंस दुनिया के लिए कुछ चमकट पर यही है शाह करीमा दस्तगीरा शफा हुरमते रूहे पयंबर यक नजर कुम सुए मां वसल्लल्लाहु तआला अला खैर। आ रहे हम लोग खाना खाने लंगर और समग्धनी का लंगर गाइस। ये खाना खाने के टाइम भूल गए थे वीडियो बनाने, खाना खा चुके थे। खाना में रोटी था और मटन का कोरमा वगैरह था जो सूरत से लोग आए थे बावर्ची लोग, उन्होंने बनाया था। बहुत अच्छा था, लजीज था, मज़ा आया। तो ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।